Hello dear students, I welcome you all on the online e-platform of AgriStudyPoint. I'm your educator Kalpana Yadav, and in today's session we will study about the true potato seed production technology. तो आज हम पढ़ेंगे TPS टेक्निक के बारे में. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ते हैं पोटैटो के बारे में. तो पोटैटो का जो बोटैनिकल नेम है, इसको साइंटिफिक भाषा में जो हम कहते हैं वो होता है सोलेनम ट्यूबरोसम, एंड जो फैमिली है इसकी वो है सोलेनेसी. क्रोमोजोम नंबर की बात करें तो क्रोमोजोम नंबर इसके अंदर 48 होते हैं और ये एक टेट्राप्लॉइड स्पीसीज होती है. ओके, एंड ओरिजिन जो है ये ओरिजिनेट हुई है ट्रॉपिकल और साउथ अमेरिका, हम कह सकते हैं जहां से ये ओरिजिनेट हुई है. नेक्स्ट इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देखें तो इसके अंदर जो हम बात करें पोटैटो की, तो पोटैटो जो है वो वर्ल्ड के अंदर एक पॉपुलर वेजिटेबल क्रॉप है जिसको बहुत सारी कंट्रीज के अंदर स्टेपल फूड डाइट के रूप में भी कंज्यूम किया जाता है. ये जो पोटैटो है इसको किंग ऑफ वेजिटेबल भी कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि जो पोटैटो है वो एक मेजर नॉन सीरियल फूड क्रॉप है जिसका फोर्थ रैंक है एरिया एंड प्रोडक्शन के अंदर वर्ल्ड के अंदर आफ्टर व्हीट मेज एंड राइस. तो व्हीट मेज एंड राइस के बाद द पोटैटो हैज फोर्थ रैंक इन एरिया एंड प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड. ओके, एंड इंडिया के अंदर बात करें, इंडिया के अंदर ये 17th century के अर्ली पार्ट के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर और उस समय से इसको इंडिया में कल्टिवेट किया जाता है. नेक्स्ट इसकी टेक्सोनोमी के बारे में हम जाने तो जो जीनस है इसका सोलेनम, वो एक लार्जेस्ट जीनस है सोलेनेसी फैमिली का. इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 1400 स्पीसीज हैं इस जीनस के अंदर, एंड इसकी हम डिफरेंट इसकी जो टेक्सोनोमी है उसके बारे में हम देखें तो किंगडम जो है इसका है प्लांटे, फाइलम है जो एंथोफाइटा, डिवीजन है इसका मैग्नोलियोफाइटा, एंड द क्लास इज मैग्नोलियोप्सिडा, एंड द सब क्लास इज एस्ट्रेडी, एंड द ऑर्डर इज सोलेनेल्स. बट जनरली जो हम मेनली याद रखते हैं वो है इसकी फैमिली जो है सोलेनेसी, जीनस इज सोलेनम, एंड द स्पीसीज इज ट्यूबरोसम. इसके अलावा भी इसके अंदर और भी स्पीसीज आती हैं, बट द सोलेनम ट्यूबरोसम जो है ये कल्टीवेटेड और टेट्राप्लॉइड इसकी स्पीसीज है. नेक्स्ट इसकी बोटनी के बारे में हम बात करें तो पोटैटो को हम जनरली देखते हैं कि इसको वेजिटेटिवली ही प्रोपोगेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्यूबर्स. तो इट इज प्रोपेगेटेड वेजिटेबली विद द हेल्प ऑफ ट्यूबर्स, एंड जो लीव्स होते हैं इसके दे आर अल्टरनेट एंड कंपाउंड. अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है, अल्टरनेट अरेंजमेंट कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पे हम देखें एक लीव ऐसे है दूसरा इधर ऐसे है, तो ये अल्टरनेट पोजिशन के ऊपर यहाँ पे लीव्स होते हैं इसके. ठीक है, और ये क्या होते हैं, कंपाउंड लीव्स होते हैं. आगे आप देखोगे पिक्चर में. बात करें इसमें फ्लावर्स की, जो फ्लावर्स हैं इसके अंदर वो क्या होते हैं, टर्मिनल क्लस्टर में होते हैं, जहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक प्लांट के अंदर टर्मिनल पोजीशन के अंदर मिलेंगे और क्लस्टर में मिलेंगे. हम आगे इसको अच्छे से देखेंगे. इसके अंदर क्या होते हैं, फाइव स्टेमन होते हैं जो कि एपीपेटलस कंडीशन में होते हैं. एपीपेटलस कंडीशन होती है वो भी हम समझाएंगे आगे. टू सेल पिस्टिल है इसके अंदर, फाइव सेपल्स है, सेपल्स जो है वो भी गैमोसेपल्स है, और जो पेटल है वो क्या है, गैमोपेटलस. मतलब गैमोसेपल्स मतलब जो सेपल्स हैं वो फ्यूज्ड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं. ओके, और पेटल्स भी हैं वो भी आपस में फ्यूज्ड हैं. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमने देखा था कि जो स्टेमन है वो एपीपेटलस कंडीशन शो करते हैं. एपीपेटलस कंडीशन में क्या होता है, जब स्टेमन क्या होते हैं, पेटल से अटैच होते हैं. जनरली क्या होता है, ये थैलमस से अटैच होते हैं, बट इन दिस कंडीशन क्या होता है कि जो हमारे स्टेमन है यहाँ पे वो पेटल से ही अटैच होते हैं, इसलिए इस कंडीशन को क्या बोला गया है, एपीपेटलस. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, सेपल्स है इसके, ये सेपल्स भी क्या है, आपस में फ्यूज्ड है, ये अलग अलग नहीं है, इसलिए इस कंडीशन को क्या बोला है, गैमोसेपल्स.
और उसी प्रकार से जो पेटल्स होते हैं वो भी क्या है, आपस में फ्यूज हैं, तो इनको हम गैमो पेटल्स बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने देखा था जो ओवरी जो है इसके अंदर वो क्या होती है, बाइलोक्युलर ओवरी है इसके अंदर, ठीक है। ये क्या है, इसका एक लोक्यूल है, तो इसके अंदर दो लोक्यूल है, ये क्या है, बाइलोक्युलर ओवरी है। और यहाँ पे ये हमने पढ़ी है कि क्या है, एपिपेटलेस कंडीशन होती है। और ये क्या यहाँ पे शो कर रखा है, दिस इज स्टेमन। स्टेमन में दो पार्ट होते हैं, वन इज एंथर एंड वन इज फिलामेंट। तो ये किस ये जो है हमारा पोटैटो के फ्लावर के बारे में, यहाँ पे हमने सारे डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट बात करें इसके स्टोलन क्या होते हैं इसके अंदर, वो जो हमारे पोटैटो ट्यूबर्स हमारे लगते हैं वो अंडरग्राउंड लगते हैं, और जो ट्यूबर होता है वो क्या होता है, जो स्टेम होता है उसका क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। दिस इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ठीक है। इसीलिए जो पोटैटो ट्यूबर है उसको हम स्टेम ट्यूबर भी बोलते हैं। तो जो स्टेम है वो मॉडिफाई होके उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स का, स्टार्च का क्या होता है, एक्यूमुलेशन शुरू हो जाता है, और ये उसका एक स्टोरेज ऑर्गन का काम करते हैं। तो जो पोटैटोज हैं वो कहाँ पे लगते हैं, स्टोलन्स के ऊपर। तो ये मेन ये स्टेम है, यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज द मेन स्टेम। और जो ये लेटरल, इसके अंदर हम ये लेटरल स्टेम टाइप देख सकते हैं, ये क्या है, स्टोलन है। और जो स्टोलन का एंड है, या फिर हम कह सकते हैं जो इसका सब एपिकल रीजन होता है, वहां पर क्या लगते हैं, हमारे पोटैटो के जो ट्यूबर्स है वो लगते हैं। और ये हमने देखा था कि जो अल्टरनेट होता है इसके अंदर लीव्स, तो ये देखो ये अल्टरनेट लीव्स है इसके अंदर, ठीक है, बट दीज आर कंपाउंड। तो ये पूरा क्या है, कंपाउंड लीफ है, और ये एक इसका लीफलेट है। इसका फ्रूट जो होता है वो क्या होता है, बेरी होता है। ये आप देख सकते हो, ये टोमेटो लाइक स्ट्रक्चर्स इसके अंदर बनते हैं, जिनको हम बेरी बोलते हैं। और हमने कहा था कि जो इसके अंदर फ्लावर्स होते हैं वो क्लस्टर में लगते हैं टर्मिनल पोजीशन पे। तो आप इसमें देख सकते हो टर्मिनल पोजीशन पे कैसे क्लस्टर में इसके अंदर फ्लावर्स लगते हैं। फिर हमने देखा कि जो ट्यूबर्स हैं वो किस पे लगते हैं, स्टोलन एंड पे लगते हैं। और ट्यूबर फॉर्मेशन के अंदर दो प्रोसेसेस होती है, पहले स्टोलन फॉर्मेशन होगा, पहले स्टेलन फॉर्मेशन होता है नोड से बेस, जो इसके अंदर अंडरग्राउंड नोड्स है उनसे, और उसके बाद इसमें ट्यूबराइजेशन होता है, ठीक है। अब हम अपने मेन पॉइंट्स पे आते हैं, जो हमें मेन आज का टॉपिक पढ़ना है, जो हमारा है टीपीएस। सो टीपीएस होता क्या है, ट्रू पोटैटो सीड। अब जनरली अगर हम फार्मर्स को कहेंगे कि पोटैटो का सीड क्या होता है, तो वो क्या कहेंगे कि जो ट्यूबर्स होते हैं वो सीड होता है, बट वो उनको भी हम सीड पोटैटो बोलते हैं, लेकिन वो क्या है, हमारा ट्रू टू टाइप सीड नहीं है। सीड क्या होता है, जो भी किसी फ्रूट के अंदर से जो निकलेगा वो सीड है, ठीक है। कोई भी हम फ्रूट खाते हैं उसके अंदर से वो बीज निकलते हैं, वो क्या होते हैं, हमारा ट्रू टाइप सीड होता है, ट्रू टाइप जो वो बीज होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या डेफिनेशन देख सकते हैं टीपीएस की, जो टीपीएस है वो क्या है, एक्चुअल बोटेनिकल सीड प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट्स फॉर्म इनसाइड द फ्रूट और बेरी। एंड यहाँ पे जो है इसमें पोटैटो के अंदर, दे आर रिजेंबलिंग टोमेटोज। तो वो किससे मिलते हुए हैं, जैसे जो ग्रीन हमारे टोमेटो होते हैं उनसे वो मिलते हैं। अगर हम उनको देखें, तो हम दूर से देखें तो वो हमें लगेगा कि यहाँ पे टोमेटो टाइप कुछ लगा हुआ है, ओके। तो अब हमने देखा कि ये टीपीएस क्या होता है, बट जनरली जो आज हम फार्मर्स हमारे यूज करते हैं वो क्या होते हैं, सीड पोटैटो जिनको हम बोलते हैं, तो हमारे वो क्या होते हैं, स्टेम ट्यूबर्स होते हैं। तो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, ये हमारे सारे क्या है, ट्यूबर्स हैं, पोटैटो ट्यूबर्स हैं, बट वी आर यूजिंग दीज एज सीड पोटैटो। इसको हम सीड की तरह यूज करते हैं। जो ज्यादा बड़े साइज के पोटैटो ट्यूबर होते हैं उनको हम कट करके और उनको सीड की तरह यूज करते हैं। इसके अंदर यहाँ पे ये प्री स्प्राउट स्टेज दिखाई गई है, ओके। सो यहाँ पे हम देखें कि जो ट्री पोटेटो सीड जो है वो क्या होते हैं, वेरी इफेक्टिव एंड चीफ सोर्स ऑफ प्लांटिंग मटेरियल, ठीक है। अब हम बात करें कि हम जैसे कि हम यूज कर रहे हैं सीड ट्यूबर्स, तो ये हमें ज्यादा कॉस्ट इनकी लगती है, हमारे प्रोडक्शन में कॉस्ट और बढ़ा देते हैं। बट अगर हम टीपीएस को यूज करेंगे तो हमारी कॉस्ट कम आएगी
एंड जो हमारे सीड ट्यूबल है उनकी क्या क्या कमियां हो सकती हैं। सो द शॉर्टेज ऑफ गुड क्वालिटी सीड ट्यूबर्स, इतनी ज्यादा अमाउंट में हमें गुड क्वालिटी सीड ट्यूबर्स नहीं मिलते हैं, हमें फार्मर्स जो है उनको कमी रहती है सीड ट्यूबर्स की। ओके एंड हाई कॉस्ट ऑफ सीड, उसकी वजह से क्या होता है सीड ट्यूबर्स की जो कॉस्ट है वो भी ज्यादा होती है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स आती हैं, वायरस इनफिल्ट्रेशन इन सीड ट्यूबर्स एंड आर सम ऑफ द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ सीड ट्यूबर एज प्लांटिंग मटेरियल। सॉरी, दीज आर द प्रॉब्लम्स की कॉस्ट ज्यादा होती है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, वायरस उसके अंदर चला जाता है, तो बहुत सारी दिक्कत होती है सीड ट्यूबर्स के साथ। इसीलिए हम उसके अल्टरनेटिव के रूप में हम ट्रू पोटैटो सीड्स का यूज कर सकते हैं। सो जो कंसेप्ट है रेजिंग पोटैटोज क्रॉप का फ्रॉम ट्रू पोटैटो सीड, वो पहली बार इंडिया के अंदर किनके द्वारा लाया गया था, किनके द्वारा कंसीव किया था, दैट वाज बाय डॉक्टर एफ रामानुजन एंड ही वाज द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ सीपीआरआई एंड दे कंसीव दिस इन 1949। ओके सो हम यहाँ देख सकते हैं कैसे ट्रू पोटैटो सीड हम डिफरेंट स्टेजेज होती हैं। ये फ्लावर्स हैं पोटैटो के, ठीक है, डिफरेंट कलर्स के फ्लावर हो सकते हैं, कई बार पर्पल भी हो सकते हैं, व्हाइट पर्पल भी हो सकते हैं। एंड दीज आर द बेरीज, ये क्या है पोटैटो बेरीज, मतलब जो हमारे आलू का जो फ्रूट होता है, आलू के पेड़ पे हमारे जनरली प्लेन्स के अंदर फ्रूट नहीं लगता है क्योंकि इसको लॉन्ग फोटो पीरियड की जरूरत होती है, इसको ज्यादा लाइट की जरूरत होती है। जब ज्यादा लाइट, प्रॉपर लाइट इसको मिलेगी तो ही ये फूल जो फ्लावर प्रोडक्शन होता है हमारे पोटैटो के प्लांट के ऊपर, और उसके बाद यहाँ पे ये बेरीज लगती हैं और इन बेरीज से हम सीड एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और ये हमारा ट्रू पोटैटो सीड हमें मिल जाता है। सो हम टीपीएस को क्यों यूज करते हैं, इसके फायदे, अभी हमने थोड़े फायदे पढ़े, इसको हम थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात कि 100 to 120 ग्राम ऑफ सीड इज सफिशियंट टू कवर द 1 हेक्टेयर एरिया, मतलब 100 से 120 किलो, या फिर कई बार हमें कई बुक्स में 150 किलो तक भी, सॉरी 100 से 120 ग्राम की बात हो रही है यहाँ पे, और कई बुक्स में हमें 150 ग्राम तक भी मिल जाता है। तो इतने कम सीड के अंदर हमारा पूरा 1 हेक्टेयर हम कवर कर सकते हैं। एंड अगर हम ट्यूबर्स को यूज करते हैं, जो अब हमारे किसान आज के टाइम में जनरली यूज करते हैं कॉमर्शियल लेवल पे, तो जब हम सीड ट्यूबर्स को यूज करते हैं तो हमें लगभग 2 से 2.5 टन पोटैटो सीड ट्यूबर हमें चाहिए होता है 1 हेक्टेयर के लिए, जिसकी खुद की कितनी ज्यादा कॉस्टिंग हो जाती है सीड ट्यूबर्स को रखने के लिए, कोल्ड स्टोरेज के लिए भी उसको दिक्कत आएगी, ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत आएगी। तो इसलिए हमारा जो टीपीएस है वो इससे ज्यादा हमारे कॉस्ट इफेक्टिव एक अल्टरनेटिव है पोटैटो सीड ट्यूबर का। सो बीइंग हाइब्रिड दिस टीपीएस इज कैपेबल ऑफ गिविंग मोर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ज्यादा मिलता है हमें टीपीएस के साथ। सॉरी उसके बाद बात करें, दिस इज एब्सोल्युटली डिजीज फ्री सीड मटेरियल एंड देयर इज नो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी इज रिक्वायर्ड फॉर स्टोरिंग टीपीएस। एंड इफ यू टॉक अबाउट, देर इज प्रैक्टिकली नो कॉस्ट इज इन्वॉल्व फॉर ट्रांसपोर्टिंग टीपीएस अनलाइक सीड ट्यूबर। तो हमने ये बात देखी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होती है, ना के बराबर होती है टीपीएस की, तो क्या ही कॉस्ट होगी, 120 ग्राम हम ले रहे हैं, अब 120 ग्राम को उठाने के लिए हम थोड़े ना ट्रक मंगवाएंगे। बट अगर हमें उसी के लिए 1 हेक्टेयर में लगाना है हमारा जो सीड ट्यूबर ले जाने के लिए, तो हमें चाहिए 2.5 टन की जो पोटैटो है, 2.5 टन पोटैटो हमें ले जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी। उसके बाद बात करें जो हमारे टीपीएस हैं, दे आर कंपैरेटिवली मोर रेजिस्टेंट टू पेस्ट एंड डिजीज। उसके अलावा इसमें क्या है, नेट प्रॉफिट इज मोर एज कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज लेस। हम बार बार यही बात पढ़ रहे हैं, मेन बात यही है हमारी, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या है वो बहुत कम हो जाती है एंड ऑल्सो द पर हेक्टेयर प्रोडक्शन इज मोर, और जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है विद द यूज ऑफ टीपीएस। फिर बात करें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो यूजिंग टीपीएस इज अप्रोक्सीमेटली 55% लेस इन कंपेरिजन टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो। तो अगर हम टीपीएस यूज करते हैं तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो लगभग 55% क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब हम बात करें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए हमें टीपीएस के लिए, तो रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पेरेंट चाहिए होंगे,
उनके माता पिता चाहिए होंगे। तो जो अब बात करेंगे तो इसके अंदर क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सुपीरियर पेरेंटल लाइंस। सबसे पहले हमें चाहिए सुपीरियर पेरेंटल लाइंस, जो कि उनके अंदर क्या क्या खासियत होनी चाहिए, विच ब्लूम प्रोफ्यूजली, मतलब उनके अंदर फ्लोवरिंग है वो ज्यादा होनी चाहिए, एंड दैट सेट सीड्स बोथ इन द हिल्स एंड प्लेन। और वो क्या है, उनके अंदर बीज बन रहे हैं, हिल्स में भी बने और प्लेन्स में भी बने, हमें ऐसे उनके पेरेंट्स चाहिए। क्योंकि हमें क्या चाहिए, सीड ही तो चाहिए, मतलब बीज चाहिए, हमारा आखिरी जो एम है वो बीज पाने का है। तो उस पेरेंट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, एक तो उनके अंदर फ्लोवरिंग अच्छे से होनी चाहिए और उनके अंदर सीड सेटिंग अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद बात करें जो मेल पेरेंट है, दैट शुड बी हाईली फर्टाइल। जो मेल पेरेंट है वो हाईली फर्टाइल होना चाहिए और उसके अंदर पोलन बहुत अधिक मात्रा में बनना चाहिए, ताकि हम उससे क्रॉसिंग करा सके हमारे फीमेल पेरेंट की। सो जो फीमेल पेरेंट है, दैट शुड बी मेल स्टेराइल। फीमेल पेरेंट जो हमारा है, मेल स्टेराइल होना चाहिए। अगर फीमेल पेरेंट हमारा मेल स्टेराइल होगा तो क्या होगा, हमें इमास्कुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेल पेरेंट की, और हम सॉरी फीमेल पेरेंट की इमास्कुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम डायरेक्ट उसकी क्रॉसिंग आराम से करा सकते हैं। मेल स्टेराइल होगा तो हमारा फीमेल पेरेंट, इसीलिए हम मेल स्टेराइल लाइन डेवलप कर लेते हैं। तो मेल स्टेराइल होने के कारण हमारी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो भी बच जाती है। ठीक है, फिर बात करें जो फीमेल पेरेंट है, क्रॉसिंग शुड गिव ए हाई सीड सेट। तो फीमेल जो है, फीमेल पेरेंट उसको साथ अगर क्रॉसिंग कराते हैं तो हमें हाई सीड सेट मिले, इस टाइप से हम फीमेल पेरेंट का सिलेक्शन करते हैं। द प्रोमिसिंग टीपीएस पॉपुलेशन शुड प्रोड्यूस सीडलिंग्स विद विगर एंड कैपेसिटी टू बियर ट्रांसप्लांटिंग शॉक्स। तो जो उसके बाद हम पेरेंट के बाद बात करें, जो उनके प्रोजेनीज होंगे, जो हाइब्रिड्स बनेंगे, जो पॉपुलेशन आएगी टीपीएस की, वो क्या होनी चाहिए, अच्छे से उनके अंदर विगर अच्छी होनी चाहिए और उनके अंदर ट्रांसप्लांटिंग शॉक जो है उसको सहने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब ट्रांसप्लांटिंग शॉक उनके अंदर ना आए जब उसको ट्रांसप्लांट किया जाए। टीपीएस शुड गिव राइज टू हाई यील्डिंग एंड रिलेटिवली होमोजेनियस पॉपुलेशन। और जब हम टीपीएस का यूज करके जो हमारी पॉपुलेशन हो वो होमोजेनियस होनी चाहिए, उसके अंदर हेट्रोजेनिटी बहुत कम होनी चाहिए और वो हाई यील्डिंग होनी चाहिए। तो ये थी इसकी रिक्वायरमेंट। हम आगे पढ़ेंगे टीपीएस टेक्नोलॉजी के बारे में कि हम कौन कौन से स्टेप इसके अंदर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि हमें सबसे पहले जो फ्लोर है, अगर हमारे पास मेल स्टेराइल लाइन नहीं है तो हम उसकी मास्कुलेशन करते हैं, और इमास्कुलेशन करने के बाद उसके अंदर पोलिनेशन करते हैं। वहां पे हम पोलन इकट्ठा करते हैं जो मेल पेरेंट है उससे, और फिर उसको पोलिनेट करते हैं फिर फीमेल फ्लावर को, एंड आफ्टर दैट हमें हमारी फ्रूट सेटिंग होती है। और उसके बाद जब फ्रूट से हमारी जो बेरीज हैं राइप हो जाती हैं, उसके बाद हम अपना सीड उससे निकाल लेते हैं। सो आगे अब हम टीपीएस के स्टेप्स के बारे में देखते हैं कि कैसे हम इसका प्रोडक्शन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करें, हमने देखा था क्या करते हैं, हम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स करते हैं। तो पहले साल हम क्या करते हैं, पेरेंट का सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टैगर्ड प्लांटिंग ऑफ पेरेंटल लाइन। मतलब स्टैगर्ड प्लांटिंग का मतलब क्या होता है कि हम अलग अलग समय पे जब हम प्लांटिंग करते हैं तो उसे हम स्टैगर्ड प्लांटिंग करते हैं। तो जो इसमें मेल लाइन होती है उसको हम क्या करते हैं, 7 डेज बिफोर द फीमेल लाइन उसको हम प्लांट कर देते हैं, ताकि हमें पोलन अच्छे से मिल सके, हमें पोलन लोड हमारा अच्छे से प्रोड्यूस हो सके मेल लाइन के द्वारा, जिसको हम जिससे इजीली हम इमास्कुलेशन सॉरी पोलिनेशन हम इजीली कर सकें। उसके बाद करें बात करें कि जो फ्लावरिंग है वो लगभग 40 डेज आफ्टर प्लांटिंग इसके अंदर फ्लावरिंग अपीयर होती है, एंड फिर हम उसमें फ्लावरिंग के बाद क्या करते हैं, पोलिनेशन करते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन होती है, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होती है, बेरीज बनना शुरू हो जाती है। तो बेरीज की इनिशिएशन है वो लगभग 45 से 48 डेज आफ्टर प्लांटिंग शुरू हो जाती है, और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जैसे मैचुरेशन होता है बेरीज का, तो मैचुरेशन लगभग 75 से 80 दिन के बाद उसके अंदर मैच्योर हो जाते हैं बेरी। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, अपनी बेरीज को हार्वेस्ट कर लेते हैं और फिर जो उनको राइप होने के लिए छोड़ देते हैं, और राइप होने के बाद हम उनसे क्या करते हैं, सीड एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और फिर हम
उनका स्टोरेज कर देते हैं सीड का। फिर क्या करते हैं, अब हमने अपना टीपीएस हमें मिल गया है, तो हम उसके बाद क्या करते हैं, टीपीएस को हम नर्सरी के अंदर लगाते हैं उस सीड को, और उसके बाद हम ट्यूबर प्रोडक्शन करते हैं, और उनसे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ सीड करते हैं। तो ये था हम कैसे सीड को बनाते हैं, उसका कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अब इन सारे स्टेप्स को हम पूरा प्रॉपरली अच्छे तरीके से समझते हैं आगे के स्टेप्स में। तो हम कैसे प्रोडक्शन करते हैं अपने हाइब्रिड टीपीएस का, सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ पेरेंटल लाइंस। तो यहाँ पर हम क्या क्या हम देखते हैं, तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंटल लाइन शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इल पोटेंशियल, उनका इल पोटेंशियल अच्छा होना चाहिए। दे शुड हैव रेजिस्टेंस टू मेजर डिजीजेस एंड दे शुड हैव एबिलिटी टू ब्लूम अंडर लॉन्ग एंड शॉर्टे कंडीशंस, एंड उनके अंदर बेरीज प्रॉपरली सेट होनी चाहिए और प्रॉपर उसके अंदर सीड सेटिंग होनी चाहिए। तो ये सब देख के हम अपने पेरेंट्स का सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जो प्रोजनीस है उनके अंदर कौन से एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। तो प्रोजनी के अंदर क्या होना चाहिए, हाई जर्मिनेशन परसेंटेज होना चाहिए जो हमें टीपीएस मिला है उसका, सीडलिंग वीगर अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। दे शुड दे कैन ऑल्सो हैव द स्ट्रेंथ टू विदस्टैंडिंग विद ट्रांसप्लांटिंग शॉक, ट्रांसप्लांटिंग शॉक को वो विदस्टैंड कर सके, एंड अर्ली मैच्योरिटी होनी चाहिए और हाई इल्ड पोटेंशियल होना चाहिए प्रोजनीस के अंदर। और जो मेन बात है इसके अंदर, होमोजेनिटी होनी चाहिए फॉर प्लांट एंड ट्यूबर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। प्लांट भी क्या है, यूनिफॉर्म होने चाहिए, यूनिफॉर्म टाइप के प्लांट होने चाहिए, ट्यूबर जो है, जो हमें ट्यूबर मिल रहे हैं वो भी उनकी शेप एंड साइज जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है, वो अलग अलग वेरी नहीं करने चाहिए। तो ये सब इन कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के हम अपने पेरेंट्स जो पेरेंटल लाइन है उनका सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद हम बात करें प्लांटिंग की, इसके अंदर तो जो पेरेंटल लाइन हम प्लांट करते हैं नॉर्दर्न हिल्स के अंदर, हिल्स की बात करें तो हिल्स के अंदर हम क्या करते हैं, समर क्रॉप के अंदर उसकी प्लांटिंग करते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं हमें जो पोटैटो है उसको फ्लावरिंग के लिए लॉन्ग डे चाहिए, तो जब हम अपने प्लेन्स के अंदर इनको प्लांट करते हैं तो हम उस टाइम पे क्या करते हैं, उसको 4 से 5 घंटे की एक्स्ट्रा लाइट प्रोवाइड करते हैं, और उस एक्स्ट्रा लाइट की प्रोवाइड करने के बाद उसमें फ्लावरिंग होती है। अगर हम उसको प्रॉपर लाइट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो हमारे यहाँ पे दिसंबर और जनवरी के आसपास हम इसके अंदर दिन तब ज़्यादा छोटे होते हैं, तो उसके अंदर हमें एक्स्ट्रा लाइट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और हम उसके लिए हम 150 वॉट का सोडियम वेपर लैम्प भी हम यूज करते हैं उसके लिए जनरली, ठीक है। तो प्लेन्स के अंदर हम एक्स्ट्रा लाइट प्रोवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, टीपीएस का प्रोडक्शन करते हैं, और हिल्स में हम इसको समर क्रॉप की तरह लगाते हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो प्लांटिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो FIM है हमारा फार्म यार्ड मैन्योर, हम 20 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से अप्लाई करते हैं सॉइल के अंदर, उसको अच्छे से प्रॉपरली मिक्स करते हैं फॉर अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय द प्लांट्स। फिर बात करें जो मेल एंड फीमेल जो है वो हम क्या उनको प्लांट करते हैं, उनको टू सेपरेट जो प्लॉट्स हैं उनके अंदर हम सॉरी प्लांट करते हैं, बट दे आर एडजेसेंट, ठीक है, जो प्लॉट है वो एडजेसेंट है बट दो अलग अलग प्लॉट्स के अंदर हम उनका प्लांटिंग करते हैं। जो रेशियो होता है मेल एंड फीमेल का वो क्या होता है यहाँ पे, 1:4, ओके। बाद में इसके अंदर जो मेल ब्लॉक होता है, मेल ब्लॉक के बारे में देखें तो जो मेल ब्लॉक है दैट इज प्लांटेड अबाउट ए वीक बिफोर प्लांटिंग फीमेल ब्लॉक एंड एट ए स्पेसिंग ऑफ 60 x 20 cm। ये स्पेसिंग है इसकी, ज्योमेट्री हम कह सकते हैं, जो हम मेल प्लांट्स को जब हम जो मेल ब्लॉक को हम प्लांट करते हैं तो वहाँ पे ज्योमेट्री हम रखते हैं 60 x 20 cm। और यहाँ पे हमने देखा कि हम उसको वीक, 1 वीक बिफोर हम उसको प्लांट करते हैं, तो हमने देखा था कि स्टैगर्ड प्लांटिंग, तो यही होती है जो अलग अलग टाइम पे हम लगाते हैं उसको स्टैगर्ड प्लांटिंग बोलते हैं, ठीक है। फीमेल ब्लॉक जो है वो उसके अंदर हम जो ज्योमेट्री है या फिर जो स्पेसिंग है वो लेते हैं 40 से 50, उसके अंदर 15 cm, ठीक है। तो 40 से 50 ये हमारी रो टू रो होती है, और जो 15 cm ये हमारी प्लांट टू प्लांट होती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो जो एडजेसेंट बेड है उनके अंदर हम वॉकिंग स्पेस रखते हैं लगभग 80 cm का फॉर
जो हम ऑपरेशन करें, हम चलने फिरने के लिए जो हम जगह छोड़ते हैं वो लगभग 80 सेंटीमीटर इसके अंदर हम छोड़ते हैं, ठीक है। और जो फीमेल ब्लॉक है उसके अंदर क्या होते हैं, जो बैड्स होते हैं लगभग उसमें हम 3 रोल लगाते हैं। इसमें हम ट्यूबर साइज जो होता है अप्रोक्सीमेटली हम 30 ग्राम का प्रीफर करते हैं। और जर्मिनेशन के बाद हम क्या करते हैं, एक सिंगल स्टेम पर प्लांट हम मेंटेन करते हैं फीमेल ब्लॉक के अंदर। नेक्स्ट बात करें, जब पोलिनेशन करने से पहले हम क्या करते हैं, जो भी ओल्ड फ्लावर्स हैं और जो बेरीज हैं उनको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है, ताकि हमें पोलिनेशन हमारी ड्यूरेशन ज़्यादा ना चले। हम उसके लिए क्या करेंगे, प्रॉपर हम उसके अंदर फ्लावरिंग को मेंटेन करेंगे, हम ओल्ड फ्लावर्स को और बेरीज को रिमूव कर देंगे और हम प्रॉपर पोलिनेशन के लिए लगभग हम उस प्लांट के ऊपर 5 से 6 लार्ज साइज बर्ड है जो वो रखेंगे पर बंच, ठीक है, बाकी सबको हम रिमूव कर देंगे। एंड ऑल दीज आर डन 1 डे प्रायर टू पोलिनेशन। ये सब हम पोलिनेशन के एक दिन पहले करते हैं। और जो फ्रेशली ओपन फ्लावर्स होते हैं, फिर जो लार्ज साइज बर्ड होती हैं जो कि नेक्स्ट डे ओपन होनी है, उनको हम कलेक्ट कर लेते हैं मेल पेरेंट से इवनिंग के टाइम पे। जैसे कि हमें अगर कल पोलिनेशन करना है तो हम क्या करेंगे कि पहले दिन इवनिंग में हम जो लार्ज साइज बर्ड हैं, जो फ्रेशली ओपन बर्ड्स हैं, वो क्या कर लेंगे, या फिर जो बर्ड्स नेक्स्ट डे ओपन होनी है वो हम उनको क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे इवनिंग के अंदर, ताकि हम हमें हाई रिकवरी मिल सके पोलन की। ओके, फिर हम जो नेक्स्ट मॉर्निंग है, नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या है, जो पोलन आर एक्सट्रैक्टेड इन ए स्मॉल डिश, जो हमारे हमने जो बर्ड्स ली हैं मेल पेरेंट से, उससे हम क्या करेंगे, पोलन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। और डिफरेंट मेथड से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लाइक बाय शेकिंग एंथर्स और बाय यूजिंग मोटराइज्ड मिनी मिक्सर, इलेक्ट्रिक बजर और मैन्युअली यूजिंग ए पेयर ऑफ फोर्सेप्स। तो हम क्या करेंगे, अपना जो मेल पेरेंट है उससे हम पोलन को रिकवर कर लेंगे एंड देन आफ्टर दैट हम उससे फीमेल फ्लावर को पोलिनेट कर देंगे। और हम ये ब्रश का यूज करके हम उसको कर सकते हैं इन द मॉर्निंग एंड फॉलोड बाय रिपोलिनेशन नेक्स्ट डे। तो हम ना इसको एक या एक बार से 2 से 3 बार हम इसको पोलिनेट करते हैं और प्रॉपर फ्रूट सेटिंग। नेक्स्ट इसमें उसके बाद जब फ्रूट सेटिंग पोलिनेशन हो जाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा एंड फर्टिलाइजेशन के बाद हमारी बेरीज बनना शुरू हो जाएंगी। देन वेल डेवलप्ड बेरीज आफ्टर 40 to 50 डेज आफ्टर पोलिनेशन आर कलेक्टेड एंड अलाउड टू राइप एट रूम टेम्परेचर फॉर 2 to 3 वीक्स एंड राइप बेरीज आर क्रश्ड एंड सीड एंड पल्प आर ट्रीटेड विथ 10% HCl विथ कंटिन्यूस स्टीरिंग फॉर 20 मिनट्स, ठीक है। हम 10% HCl के साथ उसको ट्रीट करेंगे और उसको कंटिन्यू स्टीर करेंगे 20 मिनट के लिए, ताकि सीड एंड पल्प प्रॉपरली सेपरेट हो जाए। एंड आफ्टर दैट हम सीड्स को वॉश कर लेंगे थोरली वाटर के साथ एंड उनको सुखा लेंगे एंड उनको शेड के अंदर ड्राई कर लेंगे। इफ वी आर डूइंग दिस इन प्लेन, जब हम जो प्लेन एरियाज है उनके अंदर हम शेड के अंदर ड्राई कर लेंगे, और जो हिल्स हैं वहां पर हम माइल्ड सन के अंदर उसको ड्राई कर सकते हैं हमारे ट्रू पोटैटो सीड्स को। आफ्टर दैट जो ड्राइड सीड्स हैं उनको हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स के अंदर स्टोर कर लेंगे एंड उसको लो टेम्परेचर पे हम स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी बेरीज हैं और इससे हम अपना सीड एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है इसमें जो टीपीएस है दैट कैन बी स्टोर सेफली एट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी फॉर 2 to 3 ईयर्स। तो जनरली अगर हम ज़्यादा एफर्ट ही नहीं डाल रहे हैं तो भी हम अपने सीड को 2 से 3 साल के लिए हम स्टोर कर सकते हैं ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पे और लो ह्यूमिडिटी के ऊपर। जो फ्रेशली एक्सट्रैक्टेड टीपीएस जो होता है हमारा, तो उसको एकदम से हम क्या कर सकते हैं, फील्ड के अंदर नहीं लगा सकते हैं, उससे हम सीडलिंग नहीं बना सकते हैं। जो फ्रेशली एक्सट्रैक्टेड टीपीएस है उनके अंदर क्या होता है, डोरमेंसी होती है लगभग 6 मंथ की। अगर हमें उसको इंस्टेंटली उसको लगाना है तो पहले हमें डोरमेंसी को ब्रेक करना पड़ता है और
सॉरी, तो डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम डिप करते हैं सीड को लगभग 1500 से 2000 PPM जो GA3 सॉल्यूशन है उसके अंदर लगभग 48 घंटे के लिए हम उसको डिप करके रखते हैं जिब्रिलिक एसिड के सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ पे आप हम देखें कुछ वेराइटीज हैं ट्री पोटैटो सीड्स की। सो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट वेराइटीज हैं जैसे HPS 1/13, HPS 2/63 एंड TPSC 3 एंड दिस इज 92PT27। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट वेराइटीज हैं इसकी जिनको TPS प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद बात करें इसके अंदर क्रॉप को हम TPS जो हमें सीड मिला है उससे हम ना दो टाइप से क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। एक तो हम डायरेक्ट सीडलिंग हम उससे बना ले और उसको प्लांटमेंट की तरह यूज करें कि आप सीडलिंग को डायरेक्ट फील्ड में लगा दें, या फिर एक तरीका हो सकता है कि हम सीडलिंग ट्यूबर्स हम क्या करें सीडलिंग जो हमने हम उनको लगाएं और उनसे हम छोटे ट्यूबर्स हम उसे डेवलप करें और उसको हम प्लांटिंग मटेरियल की तरह यूज करें। सो पोटैटो प्रोडक्शन को हम सो दो टाइप से हम प्रोडक्शन पोटैटो प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। सो पोटैटो प्रोडक्शन थ्रू सीडलिंग ट्रांसप्लांट हम देखें तो इन दिस मेथड ये मेथड वहाँ पे ज़्यादा अच्छा सक्सेसफुल होता है जहाँ पे हमें इरिगेशन क्या होती है एश्योर होती है और विंटर्स जो होती है वो क्या होती है माइल्ड होती है। ज़्यादा ज़्यादा विंटर नहीं होती है, माइल्ड विंटर होती है और इरिगेशन एश्योर होती है। जैसे कि आसाम है और त्रिपुरा रीजन्स हैं जो यहाँ पे हम ये सीडलिंग ट्रांसप्लांट से भी हम अपने पोटैटो को ग्रो कर सकते हैं, पोटैटो प्रोडक्शन कर सकते हैं। दूसरा है कि जो मेनली हम जनरली करते हैं दैट इज पोटैटो प्रोडक्शन फ्रॉम सीडलिंग ट्यूबर्स। इसमें क्या होता है हम क्या करेंगे इसमें जो सीड को है नर्सरी बेड्स के ऊपर हम लगा देते हैं, ठीक है। जनरली रेज बेड हम यूज करते हैं तो नर्सरी बेड के अंदर हम इन्हें लगा देते हैं एंड देन रेजिंग दैम फॉर ऑब्टेनिंग स्मॉल साइज पोटैटो ट्यूबर। तो प्रॉपर स्पेसिंग पे हम उनको लगा देंगे, उसके बाद हम वहां पे उसे सीडलिंग बनने के बाद और उसके अंदर छोटे छोटे ट्यूबर्स बनने का वेट करते हैं और उन ट्यूबर्स को हम कल्टीवेशन के लिए यूज करते हैं नेक्स्ट क्रॉप की, ठीक है। और ये जनरली कहाँ पे हम रेज बेड पे उनको लगाते हैं। तो जो ये मेथड है पोटैटो प्रोडक्शन का इसके अंदर क्या होता है इसमें भी दो मेजर स्टेप होते हैं, एक तो सीडलिंग ट्यूबर प्रोडक्शन एंड क्रॉप प्रोडक्शन यूजिंग सीडलिंग ट्यूबर्स एंड प्लांटिंग मटेरियल। मतलब पहले तो हम सीडलिंग को ट्यूबर का प्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद उन जो नेक्स्ट जो क्रॉप प्रोडक्शन है उन उन सीडलिंग ट्यूबर्स को लेकर हम क्रॉप को प्रोड्यूस करेंगे, इनको एज ए प्लांटिंग मटेरियल हम यूज करेंगे। सो इसमें क्या होता है कि हम जो एक और कर सकते हैं जैसे कि सीडलिंग ट्यूबर्स जो हैं दे कैन बी प्रोड्यूस इधर बाय ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग इन द फील्ड, कि हमने उनको ट्रांसप्लांट कर दिया है हमारे सीडलिंग को फील्ड के अंदर और वहां से हम क्या करें अपने सीडलिंग ट्यूबर्स को तैयार करें। और हम क्या कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट सीडिंग कर दें नर्सरी बेड के अंदर, हम नर्सरी बेड के अंदर करें और वहां से हम अपने सीडलिंग ट्यूबर बनाएं। बट जो ट्रांसप्लांटिंग मेथड है कि हम अपने सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करते हैं फील्ड में और फिर जो सीडलिंग ट्यूबर बनाते हैं वो सक्सेसफुल नहीं है ज़्यादा, वो कुछ ही रीजन के अंदर सक्सेसफुल है। बट जो मेथड है हमारा सीडलिंग ट्यूबर प्रोडक्शन का नर्सरी बेड्स के अंदर जो प्रोडक्शन करते हैं दैट हैज बीन फाउंड सक्सेसफुल इन ऑल द पोटैटो ग्रोइंग रीजन। तो ये दो मेथड इसके अंदर हम यूज करते हैं, एक तो डायरेक्ट हम सीडलिंग बनाते हैं और सीडलिंग को ट्रांसप्लांट कर देते हैं और दूसरा हम सीडलिंग ट्यूबर्स उससे बना लेते हैं और उन स्मॉल ट्यूबर्स को हम एज ए प्लांटिंग मेटेरियल यूज करते हैं। तो ये TPS टेक्निक्स हैं जो हमने आज पढ़ी है। ये अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो कि हमने इसके अंदर कवर कर चुके हैं पहले भी, लेकिन एक बार हम फिर से देख सकते हैं कि जो TPS है दैट मे इंट्रोड्यूस पोटैटो कल्टीवेशन इनटू न्यू एरियाज वेयर गुड क्वालिटी सीड ट्यूबर्स आर डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस और स्टोर इकोनॉमिकली। ओके, तो हम पोटैटो कल्टीवेशन को उन जगह पे भी लगा सकते हैं जहाँ पे हमें गुड जो क्वालिटी सीड ट्यूबर्स है वो
इजीली हम वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर पाते, हमें वहाँ पे प्लांटिंग मटेरियल नहीं मिल पाता, इकोनॉमिकली हम उसको स्टोर नहीं कर पाते। कुछ एरियाज हैं ऐसे तो वहाँ पे हम टीपीएस का यूज कर सकते हैं, एंड टीपीएस कैन बी स्टोर फॉर ए रिलेटिवली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड डज नॉट रिक्वायर एक्सपेंसिव एंड स्पेशलाइज स्टोरेज स्ट्रक्चर। इसको हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं और ना ही इसको कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर हम इसको हमें नहीं चाहिए इसको स्टोर करने के लिए। जैसे कि अगर हम सीड ट्यूबर्स को स्टोर करते हैं तो सीड ट्यूबर्स हम सीड पहले सीड ट्यूबर्स को हम डेवलप करते हैं, उसके बाद जो सीड ट्यूबर्स होते हैं हमारे उनको हमें क्या करना पड़ता है, कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करना पड़ता है, और जब प्लांटिंग सीजन आता है उस टाइम पे हम उनको प्लांट कर पाते हैं। बट टीपीएस में ऐसा कोई नहीं है, हम उनको आराम से इजीली स्टोर कर सकते हैं, हमें कोई स्टोरेज स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, तो हमारी कॉस्ट उसके अंदर बच जाती है। एंड डिजीज ट्रांसमिशन बाई टीपीएस इज लेस देन द सीड ट्यूबर्स एंड ऑलमोस्ट दे आर डिजीज फ्री। ओके, तो ये भी इसकी इम्पोर्टेंट एडवांटेज है। उसके बाद हम बात करें इसकी डिसएडवांटेजेस के बारे में, तो हमने बात की थी कि हमें जो सीडलिंग है वो यूनिफॉर्म चाहिए और उसके अंदर होमोजेनिटी होनी चाहिए। तो समटाइम्स क्या होता है कि इसके अंदर हेट्रोजेनिटी देखने को मिल सकती है, तो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द टीपीएस, एंड इट इज ऑल्सो लेबर इंटेंसिव एंड नीड कॉन्स्टेंट अटेंशन। जैसे कि हम डिफरेंट इसके अंदर डिफरेंट वर्क परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मास्कुलेशन भी करना पड़ता है, या फिर अगर हम मेल स्टाइल लाइन यूज कर रहे हैं तो हमें पोलिनेशन करना पड़ता है, तो और उसको कॉन्स्टेंट अटेंशन देना पड़ता है, उसको प्रॉपरली हमें ध्यान रखना पड़ता है सीड बनाते हुए। तो ये भी इसके अंदर एक मेन प्रॉब्लम है, डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, सीड से टीपीएस यूज करते हैं तो हमें जो सीडलिंग्स है वो वीक भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो ये भी रिस्क रहता है कि वीक सीडलिंग प्रोड्यूस हो सकते हैं, और अगर फोटो पीरियड इसको प्रॉपर नहीं मिल रहा तो देयर इज कैन बी सम प्रॉब्लम इन फ्लावरिंग ड्यू टू वेरिएशन इन फोटो पीरियड। तो फ्लावरिंग में भी दिक्कत आ सकती है, फ्लावरिंग में दिक्कत आएगी तो हम टीपीएस कैसे प्रोड्यूस करेंगे। एंड सीड जर्मिनेशन जो टीपीएस है उसके अंदर सीड जर्मिनेशन प्रॉब्लम आ सकती है कि उसकी जर्मिनेशन परसेंटेज ठीक है भी नहीं है, अच्छा सीड प्रोड्यूस हुआ है या नहीं हुआ, तो देर आर मैनी प्रॉब्लम ऑल्सो। बट इफ वी डू प्रॉपर प्रैक्टिसेस तो हम इसको प्रॉपरली ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण भी इसके अंदर हम सीड प्रोड्यूस करने में हमें दिक्कत आती है, या फिर हम प्रॉपर पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करते हैं, तो वो सारी इसके अंदर लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण भी प्रॉब्लम आती है। बट जनरली हम देखें अगर हम सीड ट्यूबर्स की बजाय अगर हम टीपीएस को यूज कर सकते हैं तो हमारी कॉस्ट एज कम्पेयर टू दैट हमारी कॉस्ट कम लगती है। तो ये था हमारा आज टीपीएस टेक्नोलॉजी। आशा करती हूँ कि आपको इसमें समझ आया होगा जितना हद तक मैंने समझाने की कोशिश की है, और अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो आप कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। ओके, आप सबका धन्यवाद।